आज सपनों में हम लोग जाने वाले हैं दीघा। दीघा बेसिकली इज ए सी साइड ट्रैवल डेस्टिनेशन व्हिच इज लोकेटेड एट द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये कोलकाता से ऑलमोस्ट 180 टू 190 किमी दूर पड़ी है। मेरे ख्याल से कोलकाता से शॉर्ट ट्रिप के लिए काफ़ी फेमस डेस्टिनेशन है ये। आप लोग हावड़ा से ट्रेन बुक करके भी जा सकते हैं या तो फिर कोलकाता से बस बुक करके भी जा सकते हैं, लेकिन आज हम बाई रोड स्कूटर में जाएंगे। तो आज सैटरडे तो हम लोगों का दो दिन का ट्रिप है, आज और कल संडे का। तो वीडियो एंड तक देखिए दोस्तों। हम लोग सुबह सुबह 4 बजे तक निकले थे। हम लोग अभी भाया NH6 होके कोलाघाट पहुँचेंगे। कोलाघाट से सीधे लेफ्ट टर्न लेके वहाँ से नंदकुमार होके सीधे 52 किमी दूर पर कांथी तक जाएंगे। अब कांथी से सीधे रास्ते चला गया है टूवर्ड्स दीघा, लेकिन हम लोग डायरेक्ट डेस्टिनेशन पॉइंट दीघा पर नहीं जाएंगे। ताजपुर शंकरपुर होके ही दीघा पहुँचेंगे। बाई रोड आ रहा हो थोड़ा तो घूमना चाहिए, फ़ायदा अपना ही। ताजपुर एंड शंकरपुर दोनों ही बीच साइड ट्रैवल डेस्टिनेशन है। लेट्स हैव सम लुक। अभी मॉर्निंग 8:42। सो लोग भी ज़्यादा नहीं है, क्राउड भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा साइलेंस एंड द सी शोर। सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। सामने मेरा दोस्त कार्तिक, वो भी मेरे साथ आया है। वो एक बंदे के साथ बात कर रहा है, पता नहीं शायद होटल ढूंढ रहा है खाने के लिए एक्चुअली। लेकिन सुबह में हम लोग कुछ नाश्ता नहीं किया, कुछ ब्रेकफास्ट तो करना ही पड़ेगा। बहुत देर गाड़ी चला गया है हम लोग। अच्छा क्या रख के उधर जाना है? बाइक पार्किंग है, 10 रुपीज़ बाइक पार्किंग। बाइक का पार्किंग बोल दिए जाने चले जाओ। गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो हम लोग यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट अभी इधर से हम ऑर्डर करके आए। अभी यहाँ पे बगल में और भी एक होटल है और सामने ये सी बीच, द साइलेंस एंड सी शोर इंक्लूडिंग बोट आर अमेजिंग। बहुत ही ज़्यादा हवा चल रहा है एंड मेरा आवाज़ फोन तक पहुँच रहा है क्या, ये मेरे को भी पता नहीं। एंड यहाँ पे हम लोग रुक गए मतलब खाने के लिए, सुबह का ब्रेकफास्ट करना है। एंड इसका बगल में है सी बीच, बहुत बढ़िया व्यू है एंड नेचर माइंड ब्लोइंग। इसके लिए कार्तिक को धन्यवाद देना चाहिए, कार्तिक ही आइडेंटिफाई किया क्योंकि वहाँ पे वो पहले आ चुका है, पता नहीं था ताजपुर में है। खाना आ गया तो भाभी जी ने बता दिया खाना आ गया। सो ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं खाने में क्या क्या है। चलो लेट्स गो। सो भी यहाँ पे बटर लगा के है, बटर टोस्ट एंड हेयर डीम टोस्ट। मैं थोड़ा भेज खाऊँगा आज, तो कार्तिक अभी डीम टोस्ट खाने वाला है। चलो बहुत भूख लग रहा है, बाद में मिलते हैं दोस्तों। भी मजा ले रहा है। हम भी लेंगे लेकिन अभी उतरने का मन है और कोल्ड ड्रिंक्स लेके आया है। ठीक है। ओ माय गॉड, इधर बैठो और जिंदगी का मजा लो। यहाँ पे गाँव के अंदर से जा रहे हैं हम लोग। ये एक शॉर्टकट है, तो ताजपुर से हम लोग जाएंगे शंकरपुर एंड देन शंकरपुर टू दीघा। ये भी अलग एक्सपीरियंस है, मज़ेदार है।
ऐसे फील हो रहा है किसी किसी के घर पे आ रहा है हम लोग। ठीक है धन्यवाद। শঙ্করপুর কোনটা দিয়ে? এইটা গিয়ে মেন রোডে উঠো। হ্যাঁ উঠে মেন রোডে উঠে মেন রোডে ডান দিকে যাও। এটা গিয়ে মেন রোড জানি মেন রোড জানি। এখান থেকে কোথায় উঠছে? এটা সিধে গিয়ে সামান্য 5 মিনিট তাহলে মেন রোড। এই পথে চলে যাও সিধা। কোন দিক দুইজন দুদিকে দেখালে? শঙ্করপুর এই পথে না হয় না এই কই এই পথে যাও। এই পথে সিধা গিয়ে এই পথে রাস্তা দিয়ে আছে চলে যাও। शंकरपुर घूमने के बाद फाइनली हम लोग दीघा पहुंच चुके हैं। इस पूरी राइडिंग में काफी मजा आया दोस्तों। हेलो बंदा आ गया। सेकेंड टाइम फिर से ब्रेकफास्ट कर रहा है। सेकेंड टाइम ब्रेकफास्ट वहाँ पे पेट भी भरा था। आलू का सब्जी एंड पूरी। बंदे का भूख ज़्यादा है तो सेकेंड टाइम ब्रेकफास्ट एट द टाइम ऑफ। वो देखो ऑलरेडी 12 बजने वाला है। अरे इधर प्लेट नंबर 2। तो अभी हमको खाना है, बाद में मिलते हैं। टिल देन बाय, सी यू। तो मैं और कार्तिक आया, बाकी दोस्त लोग अभी भी कोई नहीं आया। सो इस बीच का नाम है उदयपुर। दीघा से ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर होगा शायद, 15 मिनट का डिस्टेंस है। अभी हम लोग उदयपुर घूमने के बाद तालसारी नाम का एक सी साइड डेस्टिनेशन पर जा रहा है। शाम हो चुका है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तालसरी के नज़दीक में एक छोटा सा आइलैंड है, तो दिन में लोग वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, नाव भी चलते हैं, लेकिन अभी शाम हो चुका है, हाई टाइड के टाइम, सो बैड लक फॉर बोथ ऑफ अस।
संडे मॉर्निंग दीघा का होटल का रूम छोड़ने के बाद हम लोग घर की तरफ निकल पड़े, तो क्यों ना दीघा मोहना घूम के जाएगा, आसपास का ही नजदीक घूमने का जगह है। और इधर सुबह सुबह अगर आए तो हम हर एक टाइप का मछली का दर्शन तो जरूर हो जाएगा।